राजकीय शिक्षक संघ के इस लोकतांत्रिक त्यौहार में मंच पर बैठे मेरे संयोजक मंडल, मेरे प्रांत के दादा पदाधिकारी गण और कल इस पूरे लोकतांत्रिक पर्व के साक्षी बनने जा रहे हैं और इस शिक्षक संघ की दशा और दिशा को बदलने जा रहे हैं, मेरे शिक्षक समाज का मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं रविशंकर गुसाई मंडलीय मंत्री पद का प्रत्याशी, आदरणीय नंदन सिंह नयाल जी, आदरणीय कनेल सिंह जी, जिनके प्रयासों से, जिनकी मेहनत से, जिनके संघर्षों से राजकीय शिक्षक संघ का वृक्ष इतना बड़ा हुआ है और उनके संघर्षों से आज हम इतने मजबूत बने हैं, उस मजबूत शिक्षक संघ के मंच को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, आदर करता हूँ उसका। साथियों, पिछला कुछ समय हमारे राजकीय शिक्षक संघ में निर्वात का माहौल था। हमने वो दौर भी देखा शिक्षक संघ में जब अधिवेशन के अवकाश को कराने के लिए पत्र जारी नहीं हो सकते थे और आज हम वो दौर भी देख रहे हैं जब यात्रा अवकाश के आदेश निकल जा रहे हैं। ये बदलाव है हमारी मानसिकता का, हमारे नजरिए का बदलाव है और हमारे साथियों ने अपनी लोकतांत्रिक ताकत से अल्मोड़ा अधिवेशन में अपना नजरिया बदला और पूरे प्रदेश के अंदर सकारात्मक माहौल बन गया। साथियों, मैं सकारात्मक व्यक्ति हूँ, मैं संगठन का संघनिष्ठ व्यक्ति हूँ, मैं संगठन को संगठन की नीति पे चलाना चाहता हूँ, मैं किसी को एकांतवाद से संगठन चलाने की आज्ञा नहीं देता। आप देखिए साथियों, इस मंच पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है और इस मंच पर भी एक फ्लैक्स लगा है, दोनों में क्या अंतर है ढूंढिएगा। एक संगठन को तानाशाही के तरीके से चलाना चाहता है और एक संगठन को संगठन की भावना से चलाना चाहते हैं, आपको इस लोगों को जवाब देना पड़ेगा। साथियों, मैं पिछले कार्यकारिणी में संयुक्त मंत्री के पद पे था। संयुक्त मंत्री का पद संगठन की एकता को बढ़ावा देने वाला पद होता है, निर्णय लेने वाला पद नहीं होता है। लेकिन जिनको निर्णय लेना था वो पिछले 4 सालों में निर्णय नहीं ले पाए और मेरे दोनों वरिष्ठ साथी इस पवित्र मंच में कितनी झूठी बातें करके चले जा रहे हैं। आपके पास हिम्मत नहीं है, आप डर के माहौल में संगठन को चलाते हैं और मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, एक डरा हुआ पदाधिकारी एक मरा हुआ संगठन पैदा करता है। आप ऐसे संगठन को पैदा करिए जो अधिकारियों के सामने आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सके, जो अधिकारियों के सामने टेबल पर बात कर सके और जरूरत पड़े तो उनकी टेबल को भी बजाने का काम कर सके। साथियों, हमारे सामने इतनी तरह की अनियमितताएं हो गई, हमारे सामने कई मुद्दे ऐसे जिन पर हमारा संगठन ज्ञापन की माला पहनकर चलता रहा, ज्ञापन ज्ञापन ज्ञापन। और शरण तो तब आती है साथियों कि अपने अधिवेशन के अंतिम दिन भी वही बड़े नेता और निर्णय लेने वाले नेता फिर ज्ञापन दे रहे थे, अपनी कार्यक्षमता को साबित कर रहे थे। एक मेरे साथी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जिनके लिए कोर्ट समाधान है। साथियों, अगर आपके लिए कोर्ट समाधान है तो आपको इस संगठन का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आपको नहीं लड़ना चाहिए संगठन का चुनाव। मेरे लिए कोर्ट प्राथमिकता हो सकती है लेकिन पहली प्राथमिकता तभी कोर्ट नहीं हो सकती है। संगठन का काम समाधान करना है, संगठन का काम शिक्षकों के मुद्दों को लड़ना है। साथियों, मैं इस मंच से कह देना चाहता हूँ कि मैं जरूर उम्र में छोटा हो सकता हूँ, जरूर मेरा शैक्षिक विभाग का अनुभव छोटा हो सकता है, लेकिन मेरा साहस कभी छोटा नहीं होगा। हमेशा आपके हाथ हकूक की लड़ाइयों को लड़ा जाएगा, मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और जिन पदाधिकारियों ने इस संगठन को बंद बोतल में बंद कर दिया था, हम उस बोतल से निकाल कर इस संगठन को सड़कों पर ले जाना चाहते हैं, इस संगठन को मजबूत बनाना चाहते हैं अपनी ताकत से, अपने नजरिए से। जरूरत है आप भी नजरिया बदलिए साथियों, मौका दीजिए हमको। जो अपने अनुभवी अनुभवी कहते थे क्या कर लिया इन्होंने इतने साल के अनुभव में, हमें मौका दीजिए। साथियों, आपको विश्वास दिलाता हूँ, बड़े बड़े वादे करने नहीं आया हूँ लेकिन इतना जरूर कह के जा रहा हूँ, निराश नहीं करूंगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी।